स्टूडेंट वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद आदित्य चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के, जो आप लोग का मिशन है 2024 का मिशन, ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन बच्चों हम लोग का है और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे माध्यम से और बेटर मार्क्स को गेन करेंगे। जैसा कि बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साइंस की तैयारी के लिए क्या रणनीति होगी, मिशन जो हम लोग का 2024 है फॉर क्लास 10th, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगे, इनके बारे में आज मैं आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। क्या हम लोगों को कैसे तैयारी करनी है साइंस की, अगर कुछ हमको बनाने हैं नोट्स कैसे बनाने होंगे, कैसे प्रिपरेशन करना होगा, किन चीज़ों पर ज़्यादा हमको फोकस करना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पुलान डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें, आपको 100% ये लास्ट तक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी अगर इस रणनीति के साथ होगी तो वाकई में मैं एक अच्छा मार्क गेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो में स्लोगन भी वही रखा है कि साइंस तैयारी के लिए रणनीति यानी मिशन 2024 फॉर क्लास 10th के लिए क्या होना चाहिए, इसके बारे में फुल डिटेल से हम लोग स्टडी करने वाले। चलो लेट अस हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग के साइंस फॉर क्लास 10th के लिए आप जानते हैं आप सभी लोग कि जो आपका साइंस का जो चैप्टर्स है, आप ये साइंस के बहुत सारे ब्रॉड चैप्टर्स रखे गए हैं, आप सबको मैंने वीडियो डाला हुआ है साइंस का आप लोग जाकर के देख लेंगे कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे, इन सारी चीज़ों के डिस्कशन में अच्छे तरीके से वीडियो में कर दिया हूँ, सेपरेट वीडियो में किया हूँ। आप सभी उस वीडियो को जाकर के देख लें, फिर नेक्स्ट वीडियो देखें तब आपको स्ट्रेटजी पता चलेगी। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं और कितने मार्क्स के वो आने हैं। इस मार्क्स को लेकर आप सिलेबस को देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा हाँ ये चैप्टर्स इतनी मार्क का है, यानी इस पर हमको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में अब टाइम बिल्कुल नहीं बचे हुए हैं। आपके टाइम ऐसे निकलेंगे कि आप सभी को पता नहीं चलने वाला कि मेरा टाइम कहां गया, जो 9 से 10 मंथ आपके पास बचे हुए हैं ये भी आपको पता नहीं चलेंगे कि 9 से 10 मंथ कहां पे गए हैं ना। जैसे कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपके SST हैं, आपके साइंस हैं, आपके मैथ्स हैं, आपके इंग्लिश हैं, इंग्लिश में भी आपको ग्रामर पढ़ना है, साइंस में आपको भी, मैं आज स्पेसिफिक वीडियो ही लेकर के आया हूँ कि साइंस में कौन कौन सी चीज़ों का डिस्कशन करना होगा बेसिकली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपका जो साइंस का चैप्टर्स है आप सभी देखते हैं कि साइंस के चैप्टर्स को मैंने आल्सो डिस्कस कर ही दिया है। अब आप देखेंगे कि साइंस में आपके 3 पार्ट होंगे, साइंस में कितने पार्ट होंगे, आपके 3 पार्ट होंगे। जैसा कि साइंस में कौन कौन से पार्ट हैं आपके, आपका पहला फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा एंड बायोलॉजी। किसी बुक्स में पहले केमिस्ट्री होगा, फिर फिजिक्स होगा, फिर बायोलॉजी होगा, वो सीक्वेंस अपना वेरी करता रहता है, उससे नो डाउट। आपको देखना क्या है, हमारे साइंस में 3 चीजें हम लोग को पढ़नी रहेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब सर इन बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री की कैसे तैयारी करेंगे कि हमको साइंस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर हमारा 90 मार्क तो बिल्कुल फिक्स बन जाए, इसके बारे में पूरा टोटली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के। अब आप सभी देखेंगे कि फिजिक्स में जो हमको क्या करनी है बच्चों, फिजिक्स में कैसे तैयारी करनी है, कितनी कॉपीज़ हमको बनानी है फिजिक्स में, इसका डिस्कशन आइए हम लोग कर लेते हैं। तो आप सब देख पा रहे हैं कि फिजिक्स में हमको कितनी कॉपीज़ बनानी है, तो फिजिक्स में हमको 1 कॉपी बनानी है न्यूमेरिकल की और 1 कॉपी बनानी है नोट्स की, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि आपके जो नोट्स होंगे फिजिक्स के जो नोट्स होंगे, इन नोट्स को आपको 1 कॉपी में लिखनी है और जो आपके जितने न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को आपको सेपरेट लिखना है, बिकॉज एग्जामिनेशंस में जब आप एग्जामिनेशंस देंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होगा आपके इस फिजिक्स के सब्जेक्ट में। साइंस के पर्टिकुलर 3 ब्रांचेज में आपका डिवाइड है, उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन लिया गया है इसमें न्यूमेरिकल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप थ्योरी लिखते हैं तो थ्योरी में उतना परफेक्ट नंबर नहीं मिल सकता जितना नंबर गिवन क्वेश्चन में किया गया है, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल लगाते हैं प्यारे बच्चों तो आपको ये 100% मैं कह सकता हूँ कि आप सभी को न्यूमेरिकल में फुल मार्क मिल सकता है। अगर आपका आंसर आया हुआ है राइट तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर आपके रिड्यूस उसमें होने वाले नहीं है। तो ये सारी स्ट्रेटजी को आप बिल्कुल समझिएगा, इसलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूमेरिकल पर ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स में फोकस करिए। जितने आपके डेरिवेशन हैं उन डेरिवेशन पर आपको फोकस करना है, आपको न्यूमेरिकल पर फोकस करना है और आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आपको डेरिवेशन याद है फार्मूलाज याद है तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, नो डाउट। न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे आते हैं, न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाते हैं, इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आप बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका ये चैप्टर्स रखा गया है, यानी आपके कौन से चैप्टर्स, आपके जो चैप्टर्स फिजिक्स में रखे गए हैं इंपॉर्टेंट, उनका डिस्कशन मैंने आल्सो किया हुआ है, तो उतने सारे चैप्टर्स को एक कॉपी आपकी कवर कर लेगी। और एक कॉपी आपको बनानी है क्या, न्यूमेरिकल की एक कॉपी बनानी है और उस पर बार बार प्रैक्टिस बनाना है। एक एक न्यूमेरिकल को मैं यूट्यूब चैनल पर आपके इस ऑफिशियल चैनल्स पर मैं सॉल्व कराता रहूंगा, नो डाउट। उसमें बच्चे आप सब क्या करेंगे, इस पर तैयारी बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल की करते रहेंगे। न्यूमेरिकल का हर एक चैप्टर्स का हम लोग कम से कम, अगर बहुत ही मिनिमम हम लोग बात करें तो मिनिमम हम लोग 50 से 60 न्यूमेरिकल करने वाले हैं पर चैप्टर, ठीक है। पर चैप्टर हम लोग करने वाले हैं 50 से 60 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, नो डाउट उसमें। अब आप सभी देख पाओगे कि बच्चों आपके जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो हर फिजिक्स के चैप्टर्स में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिजिक्स की मैंने बात आपसे किया कि फिजिक्स में जो आपके चैप्टर्स होने वाले हैं, ये फिजिक्स के जो चैप्टर्स होने वाले हैं बच्चों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके हो जाएंगे आपके न्यूमेरिकल के। इसलिए आप न्यूमेरिकल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल पर आप क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे और न्यूमेरिकल को ज्यादा से ज्यादा आप लगाने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल को लगाने से आपके क्या होंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लगाने से आपके परफेक्ट मार्क बनेंगे, जितने मार्क का वो आपके न्यूमेरिकल पूछे गए होंगे उतने मार्क्स बनेंगे, उसमें रिड्यूस नंबर नहीं होगा आपका, ये 100% आप सभी जान लीजिए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम सभी बच्चों, तो आप सब देखेंगे कि जो आपके आगे की टॉपिक्स हैं वो आगे की टॉपिक्स क्या हैं, आपके केमिस्ट्री है
यानी इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। सर केमिस्ट्री की कैसी स्ट्रेटजी होगी, कितनी कॉपीज बना लें, केमिस्ट्री में क्या कुछ कर लें जिससे हमारे सारे क्लियर हो जाए एग्जाम, चूंकि हमको 90 मार्क्स लाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रणनीति बनानी पड़ेगी भाई। कैसे हमको करना है इसके बारे में आपको पूरा फुल डिटेल्स स्टडी करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा, उस प्लान पर हमको अचीव पर चलना पड़ेगा, उस अचीव पर चलना पड़ेगा, उस एम को पाने के लिए हमको बहुत ही अच्छे तरीके से रणनीति बनानी पड़ेगी और उस पर एक बिल्कुल ट्रुथफुलनेस होकर के चलना भी पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इस पर आपको फोकस करना है और बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी पर लग जाना है। अब आपके पास बिल्कुल टाइम बचा हुआ नहीं है, मैं बार बार ये बात आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए हम लोग देख लेते हैं, तो केमिस्ट्री के लिए हम लोग को कौन कौन सा चीज़ लेना है भाई, तो केमिस्ट्री के लिए आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के लिए हमको क्या लेना है, केमिस्ट्री के लिए कितनी कॉपीज़ लेनी है सर, तो केमिस्ट्री के लिए हमको जो कॉपीज़ लेनी है बच्चों, इसमें हमको कौन कौन सी कॉपीज़ लेनी है, हमको तो एक कॉपीज़ लेना है, वन रिएक्शंस कॉपी, ओनली वन रिएक्शंस कॉपी। हम आपको जो रिएक्शंस केमिस्ट्री में कराने वाले हैं फॉर क्लास टेंथ के लिए ओनली वन, क्लास ट्वेल्थ के लिए नेक्स्ट, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन क्लास टेंथ के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको 700 से 800 रिएक्शंस ओनली वन केमिस्ट्री के हम आपको कराएंगे, व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर से रिगार्डिंग, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैं प्रीवियस ईयर 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एनालाइज करके मैं आप सभी को बता रहा हूं कि बच्चों वहां से मैं आपको लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, जो 10 ईयर्स प्रीवियस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का बेहतरीन तरीके से मैं आप सबका डिस्कशन करूंगा। एक एक रिएक्शंस को आप सबको डिबेट करके मैं बताऊंगा और वो रिएक्शंस वही रहेंगे जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और जो आपके 2024 एक बोर्ड एग्जामिनेशन में वेरी वेरी हेल्पफुल होगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे। उन रिएक्शंस को मैं इसमें सबमिट करके आप सभी को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो नो डाउट आप सबकी तैयारी बहुत ही कराई जाएगी, आप सभी को तैयारी में लग जाना है, जो सब्जेक्ट मैंने बोला है, जैसे मैंने बोला है कौन कौन सी कॉपीज लेनी है, इन सब कॉपीज को लेकर के तैयारी में आज से आपको जुट जाना है और तैयारी आज से करना स्टार्ट कर देना है एक अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल से। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे आपके जो आपके दूसरी कॉपी एक लेनी होगी आपको, वो कॉपीज कौन सी होगी, वो कॉपीज आपकी कौन सी होगी बच्चों, नोट्स की कॉपी होगी। एक कॉपी आपको लेनी है, न्यूमेरिकल कॉपी लेनी है, न्यूमेरिकल सर केमिस्ट्री में भी है। हाँ भाई, आप लोग क्लास 9th पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे, वहाँ तो कम ही वेटेज था न्यूमेरिकल का केमिस्ट्री में, लेकिन क्लास 10th में जब आप आ जाते हैं तो इसमें केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का वेटेज बढ़ जाता है और यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे जाने की प्रॉबिबिलिटी भी बढ़ जाती है 100%। मैंने कहा अगर आपको न्यूमेरिकल दिया है, आपको रिटनेबल लिखने के लिए दिया है, अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको 100% से 99.99% में आपको बता रहा हूँ बच्चों कि 100 में आपको जितने नंबर्स दिए होंगे, जितने नंबर का है उतने नंबर आपको मिलेंगे। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है तो आप 5 नंबर उसमें मिलेगा। अगर आपको कोई रिटनेबल लिखने वाला आया है तो आप लिखोगे, कहीं ना कहीं आप मिस कर दोगे, कहीं ना कहीं पंचुएशन मिस कर दोगे, कहीं ना कहीं और चीज़ों को मिस कर दोगे लिखने में, स्पेलिंग एरर कर दोगे, तो वहाँ आपके नंबर रिड्यूस कर लिए जाएंगे, वहाँ आपके नंबर कट कर दिए जाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल में अगर आपका आंसर आया है फाइनल तो आपको वहाँ आपको मिल जाता है नंबर। स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं तो इसमें स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल में नंबर मिलता है बिल्कुल बच्चों, अगर आपने 2-3 स्टेप करके छोड़ दिया फिर भी आपको उसमें से नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ पूछा है, जैसे मैंने कहा कि आपसे आप आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, अगर आप हेडिंग डाल के लिख दीजिए इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये तो गलत है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ये तो दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं और आप जो बता रहे हो और वो जो पूछ रहा है उससे तो दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आपको नंबर वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल्स में आपने फार्मूला यूज़ का लिख दिया है, 2 लाइन एक्सप्लेनेशन कर दिया है, तो आपको वहाँ 5 नंबर में से 2 नंबर 1 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही थोड़ा सा काम आपने उसमें किया है तो आपको नहीं मिलेगा, जो वर्ड्स आपको डेफिनेशंस लिखने होंगे, ज़रा सा रंग हुआ तो वहाँ नंबर सीधा सीधा कट कर लिया जाता है। बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यही बार बार से सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल पर ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पर ज़्यादा लेना है न्यूमेरिकल को, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो। बात समझ में आ गई, तो आपको इसीलिए रिएक्शंस की एक अलग कॉपी बनानी होगी क्योंकि रिएक्शंस का वेटेज ज़्यादा होता है, न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा होता है। उसके बाद कुछ लिटरेचर्स भी पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस पूछे जाते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी अलग से कॉपी बनानी है। मतलब केमिस्ट्री में टोटल कॉपीज़ की बात कर लें तो 3 कॉपीज़ आपको टोटल इसमें बनानी है, 3 कॉपीज़ आपको बनानी है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आगे हम लोग चलते हैं तो आगे देखेंगे, आगे हम लोग का बायोलॉजी आएगा, यानी बायोलॉजी में सर कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी बायोलॉजी में। हाँ जी, अब ये डिस्कशन करने की बात है सर, बायोलॉजी में हमारा क्या होगा, बायोलॉजी में कैसे हमको तैयारी करनी होगी। तो आइए बायोलॉजी के बारे में पहले देखते हैं भाई, बायोलॉजी में हमको कैसे तैयारी करनी होगी, क्या स्ट्रेटजी हमारी बायोलॉजी की रहने वाली है। तो बायोलॉजी में आप देखेंगे बच्चों कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है बायोलॉजी में, ये डिस्कशन मैंने आपको अभी प्रीवियस वाली वीडियो में कर दिया है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने मार्क के चैप्टर्स हैं, कितना टाइम देना है, सारी चीज़ों की डिस्कशन आल्सो मैंने कर दिया है। आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं क्या रणनीति होगी 2024 एग्जामिनेशंस के लिए, क्लास 10 के लिए क्या रणनीति होगी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे बायोलॉजी में आपको क्या लेना है, बायोलॉजी में आपको हम बता रहे हैं, बायोलॉजी में आपको क्या लेना है, एक डायग्राम की कॉपी लेनी है, 1 डायग्राम कॉपी लेना है, 1 कॉपी आपको नोट्स की लेनी है, 1 कॉपी आपको डायग्राम का लेना है, 1 कॉपी आपको नोट्स की लेनी है। सर 1 कॉपी डायग्राम का क्या करने के लिए, व्हाट्स दिस रीजन ऑफ डायग्राम का 1 कॉपी क्या करेंगे सर, तो नो डाउट डायग्राम की 1 कॉपी में हम लोग ये करेंगे, आपको पता चलता होगा कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड, जब आप एग्जामिनेशन के पीरियड्स में आ जाते हो तो फिर ये देखते हो कि आपको उस समय
कौन से डायग्राम हमारे इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी इमेज इंपॉर्टेंट हो जाएंगी सर लेसन वाइज। इसका बहुत सारा बच्चों के पास बर्डन आ जाता है कि सर कौन सा इमेज इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा, फिर वो समझ नहीं पाते, कन्फ्यूज हो जाते हैं। और उस समय उनको कन्फ्यूजन नहीं होना है, उस समय उनको तैयारी करनी चाहिए, वो अपना सारा टाइम इधर उधर लॉस कर देते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो क्या नहीं हो, क्या तैयार करूँ जिससे हमारा एग्जामिनेशन जल्दी से क्लियर हो जाए, अच्छा मार्क आ जाए, तो इन समय वो परेशान हो जाते हैं पूरा। तो इन सब परेशानियों को हम दूर करने के लिए आप लोग को बिल्कुल गाइड कर रहा हूँ कि जब आज से ही आप लोग एक सीक्वेंस तरीके से अपनी कॉपीज को बनाए रखोगे तो आप जब लास्ट टाइम में उसकी स्टडी करोगे ना तो आपको कुछ ना इंपॉर्टेंट देखना है ना सारा कुछ नहीं देख, कुछ आपको देखना ही नहीं है, आपके सारे बन के रखे होंगे, वही आप याद कर रहे होगे आज से, और वहां जाकर के आप आसानी से एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाई आएंगे जो इस चैनल पर आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जब एग्जामिनेशन पीरियड में आएंगे तो वहां से जब आपको वन मंथ बचे होंगे तब आप इंपॉर्टेंट खोजना स्टार्ट करेंगे, तो आज से इंपॉर्टेंट की कॉपी बनी रहेगी तभी तो खोजोगे। तो इसलिए आपकी डायग्राम की वन कॉपीज लेनी है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो भी मैं आपको यहां बताऊंगा, यहां बताने के बाद आप लोग उसको बनाएंगे बेहतरीन तरीके से और उसकी स्टडी करेंगे जब आपके एग्जामिनेशन नियर आ जाएंगे, है ना। अब वन कॉपीज आपको नोट्स की लेनी है, बायोलॉजी की वन कॉपी क्या करनी है, नोट्स की लेनी है। अब बायो में मैं आप सभी को बता रहा हूँ बायो की क्या हुई, बायो की खासकर क्या रणनीति होनी चाहिए सर, बायो में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अच्छा परसेंट गेटअप करने के लिए, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है आप सभी का। आपके अंदर ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो तीनों सब्जेक्ट है हमारा ना, ये जो थर्ड तीनों सब्जेक्ट हमारे साइंस में है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन तीनों में सर हमको कोई बेसिक चीज़ आप बता सकते हैं सर, क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप बता दीजिए रिलेशन वाइज, और वही मैं करता चला जाऊँ और मेरा अच्छा परसेंट आ जाए। हाँ बच्चों बिल्कुल सही करे हो आप, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन क्या करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या करती है रिपीट करती है। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिपीट करेगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सारा एनालाइज कर लिए हो तो आप कर ले जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ आप अगर स्टडी किए होगे कहीं से तो आपको भी पता होगा ये बात कि बोर्ड एग्जामिनेशन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिपीट करता है। तो हमारे पास बहुत, मैं अभी आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बताया हूँ कि मैं 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ आप लोग से साथ चलूंगा और उन प्रीवियस ईयर का एनालाइज कराते हुए आपको चलूंगा, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन आउट आने वाले नहीं है। चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, एमसीक्यू हो एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, इन सारी चीज़ों की डिस्कशन हम लोग करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर करेंगे, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पर हम लोग तैयारी करने वाले हैं अपने इस बोर्ड एग्जामिनेशन को। और आप लोग भी इस बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत सीरियस हो जाइए और आपसे तैयारी करना बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आप सभी को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या हमारा केमिस्ट्री का रहेगा, क्या हमारा फिजिक्स का रहेगा, क्या हमारी बायोलॉजी की कॉपीज रहेंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको फुली इंफॉर्मेशन हो गया होगा। आई होप मुझे ये आशा है कि आप लोग जान गए होंगे कि क्या क्या कॉपीज हमको कैसे लेनी है, बात क्लियर है। अब हम लोग आप लोग को अब एक चीज स्ट्रेटजी और आप लोग को मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग में कुछ अगर कोई डाउट आता है सर मुझे ये डाउट है, मुझे ये लेशंस में ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ें मुझे सर समझ में नहीं आ रही है, तो सर मैं क्या करूँ, तो उसके लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों का एक आपको ड्यूरेशन देने वाला हूँ, जो चीज़ आप देख पा रहे हो कि मैं आपको क्या दूंगा आपको बच्चों, ये एक यूट्यूब चैनल जो आपका है एजुकेशन की तादित यूट्यूब चैनल पर, इस पर आपको क्या होगा एजुकेशन की तादित पर, इस पर तो आपको सारी स्टडी दी जाएंगी, आपको सारी स्टडी दी जा रही है और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर बाई चैप्टर का उसका भी डिस्कशन मैं कराता रहूँगा, ठीक है। बाकी जो गाइडेंस देने हैं उसको भी मैं गाइड करता रहूँगा कि यहाँ पर आपको अब इतने टाइम आपके पास बचे हुए आप ऐसी तैयारी करनी चाहिए, सारे गाइड मैं आपको करता रहूँगा। और आप में अगर फिर भी कोई डाउट आता है, जैसे बहुत दूर दूर के भी बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे, तो उनके लिए खासकर है कि वो हमारे इस ईमेल आईडी पर एजुकेशन विद आदित्य 1234@gmail.com पर वो हमको ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा 7800404569 है, इस पर वो भी वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम बचता है बच्चों तो मैं आपके व्हाट्सअप को जरूर देखूंगा और उस पर पूरा मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उस न्यूमेरिकल पर या वो कोई भी चीज़ का हो तो उस पर मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा और बेहतरीन तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आई होप आप सबको समझ में भी पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का डाउट भी सॉल्व कर दिया है ना। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, तो आप जरूर इस पर व्हाट्सअप करेंगे, आफ्टर 2 or 3 days के बाद मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा आपको, क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा बर्डन्स होते हैं तो उस पर रिप्लाई क्विक नहीं हो सकता है, 2 से 3 दिन के बाद या 2 or 3 days के बाद मैं आपको जरूर रिप्लाई उस पर करूंगा और बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइन अस फॉर ब्राइट फ्यूचर्स।